पंचायत चुनाव को लेकर आज बड़ा फैसला आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट अहम फैसला आज इस पूरे मामले पर दे सकता है। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर यह फैसला है। 2 साल पहले खत्म हो चुका है यह आरक्षण। आपको बता दें 23,000 से ज्यादा पंचायतों का कार्यकाल 2 साल पहले खत्म हो चुका है। 2 साल पहले 23,000 से ज्यादा पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो चुका है और ये पूरा मामला ओबीसी आरक्षण जुड़ा हुआ सुप्रीम कोर्ट में है। आज इस पर एक बड़ा फैसला आ सकता है। हमारे विशेष संवाददाता अनुराग मालवीय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, इतने दिनों से जिस तरह से इंतजार था तमाम राजनीतिक दलों की सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देगा, लगता है कि आज वो इंतजार खत्म हो सकता है। अनुराग, आज पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला आने की संभावना है? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से जिस तरह से हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र पैटर्न पे जो पिटीशन मध्य प्रदेश में दाखिल थी और जिस दिन महाराष्ट्र का फैसला आया था उसके अगले दिन ही मध्य प्रदेश को लेकर सुनवाई थी, लेकिन हमने देखा था कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार ने समय मांगा था, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार को हाईकोर्ट ने बहुत तीखी टिप्पणी करते हुए कहा था कि जो भी डेटा है, रिकॉर्ड है, वो प्रस्तुत किए जाए। लेकिन अब जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ये तमाम बातें कही हैं उसके बाद ये बिल्कुल तय माना जा रहा है कि आज इस पर फैसला आ ही जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ओबीसी आरक्षण को लेके मध्य प्रदेश में स्थितियां मध्य प्रदेश सरकार के लिहाज से स्पष्ट कर दी गई है। खुद मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया था कि किस तरह के डेटा जुटाए गए हैं और आंकड़े क्या है। तो अब जब सरकार ये पेश कर चुकी है तो ये बहुत कम उम्मीद है कि अब इस मामले में और ज्यादा कुछ पेंडिंग होगा और आज ये माना जा रहा है कि वर्डिक्ट आएगा और इस वर्डिक्ट के आधार पर ये भी तय हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव कब होंगे और ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे या नहीं। जी बिल्कुल, और फिलहाल इस फैसले पर सबकी नजरें आज टिकी होंगी। बहुत शुक्रिया अनुराग आपका हमसे जुड़ने के लिए।